टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द लव डॉक्टर। रिलेशनशिप्स में प्यार सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। प्यार जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी कोई डेफिनेशन है। यूँ कहे प्यार एक डीप और ब्यूटीफुल फीलिंग्स है। जब किसी से प्यार होने लगता है तो हमारे माइंड में ओनली पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। खुद के सातवें आसमान में फील करते हैं। एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है। कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस भी आती है हम समझ नहीं पाते कि ये प्यार है या अट्रैक्शन। आज मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कुछ बेटर टिप्स लाई हूँ जिससे आपको अपने प्यार को जानने और पहचानने में हेल्प होंगी। एंड रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने के लिए आपकी कौन सी चीज़ों पर फोकस करना पड़े जिससे आपका पार्टनर नाराज ना हो। योर सेल्फ एंड फाइंडिंग ट्रू लव पार्टनर। आप जैसा हो आपको वैसा ही एक्सेप्ट करता हो। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता। कमियां तो हर किसी में होती है। उन्हीं कमियों के साथ अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता हो वही इंसान आपके लिए परफेक्ट होता है। अच्छा पार्टनर वही है जो आपके बुरे टाइम में साथ दे और आपके हर रुख को एक्सेप्ट कर दे। पेरेंट। एक ट्रू लव आपको कभी भी एनी टाइम आपके साथ रहने के लिए फोर्स नहीं करेगा। ना ही ऐसी कोई बात करेगा जिससे आपको हर्ट हो। आपको फोर्स या हर्ट्स करने के बजाय वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। जैसे कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी या बात करने के लिए रोक टोक ना लगाता हो। ये बात दोनों पर लागू होती है। बॉय अपने गर्लफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को सेम सेम फ्रीडम देता हो। इससे दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बेटर होती है। एक बेस्ट पार्टनर अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करता है एंड उसके लिए कोई सिचुएशन क्रिएट किए बिना ही सॉरी बोलता है। बट अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जो आपकी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करता या फिर अपने मिस्टेक को दूसरों पर ब्लेम करवाता है तो ऐसे लोग किसी के ट्रू लव पार्टनर नहीं हो सकते। ना चाहे कितना भी बिजी हो आपके लिए टाइम ज़रूर निकालेगा। ये अच्छे पार्टनर की क्वालिटी होती है। एक बेस्ट पार्टनर आपको ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करवाता। अगर वो लेट होता है तो मैसेज या कॉल के थ्रू आपको इन्फॉर्म करेगा बट आपको वेट नहीं करवाएगा। इसमें ये प्रूफ होता है कि वो आपकी कितनी केयर करता है। बी हेल्पफुल। एक अच्छा पार्टनर आपके बुरे टाइम में आपकी हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। जैसे कि आपके करियर में आपको मोटिवेट करेगा, इंकरेज करेगा, ना कि आगे बढ़ने की इच्छाओं पर ऑब्जेक्शन नहीं लेता हो। हाउ टू रिकॉग्नाइज ट्रू लव। अगर हम किसी को पसंद करते हैं या फिर किसी से ट्रू लव होता है तो हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें होती है लेकिन फिर भी हम उसी के उन्हीं के बारे में सोचते हैं। इससे पता चलता है कि आपको उस इंसान से प्यार हो गया है या फिर सडनली कोई आपको स्पेशल लगने लगता है। उसके लिए हम खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसकी हर बात अच्छी लगती है। उन्हें अच्छे से जानने समझने की कोशिश है। उनकी हर बातें अच्छे लगने लगती है। उन्हें अच्छे से जानने समझने की कोशिश करने है तो ये लव होने के सिम्टम्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपने पार्टनर की बुरी बातें भी इग्नोर करके हम उनकी अच्छी लगती है तो समझ जाइए कि आपको प्यार हो गया है। अगर आपका पार्टनर सैड होता है या दुखी होता है तो साथ ही आप भी उनके साथ सैड हो जाते हो। आप उनके सैडनेस को दूर करने की कोशिश करते हो या फिर उनकी खुशी में खुश हो जाते हो। मोस्ट ऑफ टाइम उनकी केयर करते हो या फिर वो आपकी केयर करता है तो ये ट्रू लव का साइन होता है। अगर हम किसी से प्यार करने लगे तो आसपास की सारी चीज़ों को अवॉइड करके आप सिर्फ उन्हीं के ख्यालों में रहते हो। फिर वो आपके आसपास ना होते हुए भी आप उनको अपने आसपास फील करते हो तो ये लव के सिम्टम्स होते हैं। दिखाई नहीं देते बट इसे फील करते हैं। बी केयरफुल ऑफ एक्शन एंड बिहेवियर। ऐसी कोई भी बातें ना करें जो आपके पार्टनर को पसंद ना हो। सो बी केयरफुल। कई बार हम कुछ ऐसा बोल ही देते हैं
उन पे हंसना, जोक पास करना, इन बातों से आपके पार्टनर को बुरा लगता है। तो जब भी बात करें, रिस्पेक्टिवली बात करें एंड सोच समझ के बात करें एंड गलती करने पर सॉरी बोल दें। अगर आप सॉरी कहते हो तो सॉरी वाला ही एटीट्यूड होना चाहिए। कोई भी बात बोलने के लिए सही प्लेस या सही टाइमिंग पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए। इससे आपकी पर्सनालिटी प्रूफ होती है। रिलेशनशिप्स में ऑनेस्ट एंड पेशेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ टाइम हम देखते हैं कि सच छुपाने के लिए हम झूठ का कहते हैं, जबकि ये रॉन्ग होता है। रिलेशनशिप्स में पेशेंस, एक दूसरे पे होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रिलेशनशिप्स में मोस्टली बातों पर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल है अपने पार्टनर से रियल एक्सपेक्टेशन ही रखें। सेकेंड है ट्राई टू थिंक पॉजिटिव एंड देन अंडरस्टैंड योर पार्टनर फीलिंग्स। इन सब चीज़ों को लाइफ में इंक्लूड करें और हमेशा सच का ही साथ दें, झूठ कदापि ना बोले। एंड क्वालिटी टाइम, जितना अधिक टाइम आप किसी के साथ बिताते हो उनको ज़्यादा उनसे चांसेस होते हैं कि आप उस इंसान को समझने की कोशिश करते हो कि वो कैसे है, उनका नेचर कैसा है, ये पता चलने में हेल्प होती है। क्या पसंद है एंड कौन सी बातों से उन्हें गुस्सा आता है, रिलेशनशिप्स में बातों का पता चलना इम्पोर्टेंट होता है कि अपने पार्टनर के लिए लाइफ में रिलेशनशिप्स के क्या मायने रखते हैं और वो सिचुएशन को किस तरह हैंडल करती हैं। टाइम स्पेंड करने के लिए आप बाहर घूमने जा सकते हो या फिर साथ में गेम खेल सकते हो, मूवीज, शॉपिंग कर सकते हो। इससे हमारे पार्टनर के माइंड में हमारे लिए रॉन्ग थिंकिंग नहीं आती। सो, इन सब बातों पर ध्यान रखें, अपना सही लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करें, बिकॉज एक सही साथी चुनना जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजंस होता है। इफ यू लाइक अवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक इट एंड शेयर इट वाया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और साइट। ऑल्सो टू सब्सक्राइब अस टू रिसीव अवर न्यू वीडियोज़ रेगुलरली। डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकॉन टू रिसीव अपडेट्स। वी विल कीप पोस्टिंग 3 to 4 videos once a week regularly.